मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सामाजिक न्याय क्या है, सोशल जस्टिस क्या होता है, इस विषय पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। वीडियो महत्वपूर्ण जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है भारत के संविधान में, इसके तहत बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं, बहुत सारे भारत के संविधान में संशोधन किए गए, और सोशल जस्टिस एक ऐसा कारण है कि हर व्यक्ति समान हो, इस भाव से जैसे वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी है, अर्थात जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, प्रत्येक गरीब वर्ग कमजोर वर्ग शोषित वर्ग को न्याय मिले, इस आधार पर सामाजिक न्याय का सिद्धांत बनाया गया। और ये भारत के संविधान में इसी विषय को लेकर, इस मूल स्प्रिट को लेकर, देयर इज ए फाइट बिटवीन टू थोरोली अनइक्वल, दो तरह के लोग होते हैं, एक अत्यंत गरीब तबका होता है, कमजोर वर्ग होता है, और दूसरा संपन्न वर्ग होता है। तो सामाजिक न्याय का जो व्यापक अर्थ है वो पदबंध है। समाज में बड़ी विषमता है, अनेक तरह के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं जो अपने दो जून की रोटी के लिए दिन रात लगे रहते हैं, और यह असमानता और भिन्नता विषमता कैसे दूर हो, इस विषय पर भारत के संविधान निर्माताओं का ध्यान गया और सामाजिक न्याय के सिद्धांत की परिकल्पना की गई। बड़े छोटे, राजा प्रजा, धनी गरीब, सभी तबके के लोग इस समाज में रहते हैं, और ये डिवीजन ऑफ लेबर के रूप में, समाज के विभिन्न अंगों के रूप में, गरीबी उनकी मजबूरी भी है, लेकिन कितनों के पास अथाह धन पड़ा है जो उसका सही सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, और कई ऐसे हैं कि उनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन बैंक है, कितनों के पास मकान तक बनाने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है। तो हैव्स एंड हैव नॉट के प्रिंसिपल पर ये सारा मामला निर्भर है। गरीबी अमीरी नदी के दो पार्ट की तरह हैं, और इसको दूर करने के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांत की परिकल्पना की गई, और इस आधार पर समाज के मूल ढांचे में बिखरी हुई विषमता को दूर करने का प्रयास भारत के संविधान में किया गया है। सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है, सोशल जस्टिस भी जिसे कहा जाता है, ये सोशल जस्टिस का सिद्धांत सभी लोगों को समान रूप से न्याय मिले, समान रूप से शिक्षा मिले, समान रूप से भोजन का अधिकार मिले, ये सारी बातें हैं, विचारों की स्वतंत्रता हो, और उसके अलावा उनके निजी संपत्ति हो, साथ और सभी तरह के लोगों को सामान्यता इच्छित और तत्वतः मानवीय पूर्णता और प्रसन्नता उनमें रहे। सामाजिक न्याय के सिद्धांत का दूसरा जो पहलू है विभेदहीनता, यानी जो डिफ्रेंसिएशन है, और नियम संगति के सिद्धांत में निहित है। सामाजिक न्याय के सिद्धांत को जितने भी कानून बनाए गए हैं उनमें विशेष ध्यान रख के बनाए गए हैं। गरीब तबके के वर्ग के लिए बहुत सारे सामाजिक न्याय की अवधारणा सर्वोदय से हुई है। सर्वोदय जो था ये सामाजिक न्याय के कई कारकों से मिलकर बनाया गया, और महात्मा गांधी के अनुसार सामाजिक जो न्याय है, सोशल जस्टिस है, वो जीवन एक दर्शन है। अमीर लोगों को जिनके हाथों में राष्ट्र की संपत्ति है वो वहाँ तक केंद्रित होकर रह गई है, थोड़ा नीचे इसको बांटना चाहिए, भूखे अधमरे लोगों को, अनभूखे लोगों को इसको देना चाहिए, बांटना चाहिए। सामाजिक न्याय पुराने समाज के आधारों को तोड़ रहा है, और इसी के तहत संविधान के तत्कालीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भी ऐसे विचार रखे गए थे। भूख से बिलख रही जनता को भरपेट रोटी मिले, लोगों को आवश्यक वस्त्र मिले, इसी भावना से लोग फलें फूलें, सभी लोग समान स्थिति में रहें, सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर ये परिकल्पना की गई। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी इस बारे में जोर देकर ये कहा था कि एक ऐसी सामाजिक आर्थिक क्रांति लाई जाए जिसकी आवश्यकता है, और मौलिक परिवर्तन समाज में भारत में हो सके। तो ये एक सोशल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है, समता और विभेद दोनों को अंगीकार करके इसे बनाया गया। बहुत सारे लॉज, लेबर लॉज, श्रम कानून इसी उद्देश्य से बनाए गए हैं, क्योंकि एक ओर तो उसमें मैनेजमेंट होता है जो अत्यंत संपन्न वर्ग है, और दूसरी ओर एक कमजोर गरीब तबका जिसकी मजदूरी के लिए, ओवर टाइम के लिए उसको ESI की सुविधा नहीं मिलती, कंपनसेशन का पैसा नहीं मिलता है, वेजेस समय पर नहीं मिलते हैं, मिनिमम वेजेस नहीं मिलते हैं, इन सब के लिए सोशल जस्टिस में ये नियम बनाए गए। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16(4) जो भारत के संविधान के रखे गए हैं उसमें भी यही व्यवस्था दी गई है विभेदीकरण के लिए, कि अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के, जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए राज्य चाहे तो विशेष प्रक्रिया और योजना अपनाकर और कानून बना सकता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिले, इस हिसाब से सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल को डेवलप किया गया, सामाजिक न्याय मूर्त रूप में हो, और इसके लिए
कई संशोधन भारत के संविधान में, प्रथम संशोधन, चतुर्थ संशोधन, सप्तम संशोधन, 24वां संशोधन, 26वां संशोधन, 29वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, सामाजिक न्याय को पूर्ण करने की दिशा में प्रयास किया गया। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद औद्योगिक क्षेत्रों में भी अनेकों नियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, सामाजिक क्षेत्र के लिए बनाए गए जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, भूमि व्यवस्थापन अधिनियम, ये सब बने। और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, उद्योग विकास अधिनियम वगैरह, संपदा शुल्क अधिनियम, छुआछूत अधिनियम वगैरह बनाए गए, विस्थापित व्यक्ति अधिनियम, भारतीय जीवन बीमा अधिनियम, ये सब लाए गए, आयकर अधिनियम, प्रसूति प्रसविता अधिनियम, चाइल्ड एक्ट वगैरह, ग्रेचुटी का अधिनियम, साधारण बीमा कारोबारी अधिनियम वगैरह लाए गए। तो भारत में अनेक जो विधायन या लेजिस्लेशन बनाए गए वो लोक हित में हैं, और वो सुविधा की दृष्टि से सामाजिक बीमा, प्रसूति प्रसुविधा, भविष्यांश, फैमिली पेंशन, कर्मचारी राज्य बीमा, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सब बनाए गए। तो आर्टिकल 19 से 32 तक इस बारे में प्रोविजन है, पुरुष और स्त्री समान रूप से जीविका के उनको पर्याप्त साधन हो, विभेद न हो उनमें, और दूसरा धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण को लाभ मिले, पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो, पुरुष और स्त्रियों को स्वास्थ्य और बालकों को ट्रीटमेंट सही समय से मिले, और बेरोजगार हैं तो उनको रोजगार मिले, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण मिले, ये सारी व्यवस्थाएं सामाजिक कल्याण में रखी गई हैं। और इसके लिए अनुच्छेद 41, 43, 43 का 44, 45 आदि भारत के संविधान में रखे गए। इंदिरा सानी बनाम भारत संघ का एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया था कि पिछड़े वर्ग के नागरिक जो हैं उनको सामाजिक और शैक्षिक रीति से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति अभिव्यक्ति से अभिप्राय है, समाज के सभी वर्गों को गरीबी, प्राकृतिक और भौतिक बाधाएं सम्मिलित हैं, दुर्बल हैं, उनको लाभ मिले, पोषाहार और जीवन स्तर उनका ऊंचा हो, ये सारी व्यवस्थाएं भारत के संविधान में रखी गई। सामाजिक न्याय उपलब्ध हो, न्यायालय की भूमिका रहे, त्वरित न्याय हो, ये सारा रखा गया है। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, निर्योग्य हैं, अत्याचार और मौलिक अधिकारों का उनका संरक्षण बना रहे, ऐसा ये केस पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स पुलिस कमिश्नर हेडक्वार्टर का नीलवाती बोरा वर्सेज उड़ीसा राज्य का हुआ है। तो ये सारे प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के भी कई लैंडमार्क डिसीजन इस बारे में आए कि सोशल जस्टिस का इंदिरा सानी बनाम भारत संघ का मामला एक ऐतिहासिक निर्णय है जो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया की ओर को आगे बढ़ाने और सुदृढ़ता के लिए है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा, भारत संघ आदि का भी मामला बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को निर्माण कार्य में नियोजन के लिए आर्टिकल 24 का वायोलेशन माना गया। किसी भी मामले में पूर्ण न्याय के लिए आर्टिकल 142 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय की पूर्ण न्याय करने की शक्तियां, उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए सोशल जस्टिस में संसद द्वारा बनाए गए विहित कानून के अंतर्गत किसी भी तरह का हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये कुल मिलाकर यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन और भारत संघ का भी एक मामला अत्यंत महत्वपूर्ण था। नवनीत आर कंपनी विरुद्ध आरआर कंपनी का भी निर्णय एक महत्वपूर्ण रहा। दिल्ली न्यायिक सेवा संघ वर्सेज गुजरात राज्य का भी मामला, लोगों को हथकड़ी बंदियों को कब लगाई जाए, नहीं लगाई जाए, ये सारी व्यवस्थाएं सामाजिक न्याय के अंतर्गत प्रतिपादित की गई। तो ये एक सोशल जस्टिस का जो सिद्धांत है वो संविधान में अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको सभी को जानना चाहिए। सामाजिक न्याय की परिकल्पना देश में की गई और प्रयास भी किया जा रहा है कि सामाजिक न्याय, हर व्यक्ति को न्याय मिले, समान अधिकार मिले, और वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह भी सोशल जस्टिस में रखे। तो इस तरह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद, नमस्कार।